दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली वालों के दिए टैक्स के पैसे से दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए दिए जा रहे पैसों को भी रोक लिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपना बजट बनाती है, जो पैसा खर्च करती है, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा देश के लोगों से आता है, जो हम और आप टैक्स भरते हैं। वो पैसा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास जाता है, और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे टैक्स के पैसे को हमारे विकास के लिए खर्च करें। दिल्ली के लोग भी टैक्स भरते हैं, दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिल्ली के लोग इनकम टैक्स भरते हैं, दिल्ली के लोग अपनी खरीद फरोख्त में GST भरते हैं। तो दिल्ली के लोग भी मेहनत करने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि जो टैक्स हम भरते हैं उस टैक्स से हमारा विकास होना जरूरी है, हमारे शहर का विकास होना जरूरी है, हमारे इलाके का विकास होना जरूरी है। तो दिल्ली वाले आखिरकार कौन सा टैक्स भरते हैं और कितना टैक्स भरते हैं? दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली की सरकार के पास आता है, जिसमें स्टेट का GST कंपोनेंट, VAT इत्यादि शामिल है। ये पिछले साल की अगर हम इसकी संख्या देखें तो ये 35,000 करोड़ लास्ट ईयर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया। ये 35,000 करोड़ कहां पर लगा? जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को पैसा दिया, वो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने